शिक्षक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। हमारा बकाया वेतन दो वेतन दो वेतन दो। हमारा बकाया वेतन दो वेतन दो वेतन दो। हमारा बकाया वेतन दो वेतन दो वेतन दो। मदरसा शिक्षक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मदरसा शिक्षक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। हमारा बकाया वेतन दो वेतन दो वेतन दो। हमारा 3 साल का बकाया वेतन दो वेतन दो वेतन दो। हमारा 3 साल का बकाया वेतन दो वेतन दो वेतन दो। हमारा 3 साल का बकाया वेतन दो वेतन दो वेतन दो। योगी जी वेतन दो वेतन दो वेतन दो। हमारा वेतन दो वेतन दो वेतन दो। मदरसा शिक्षक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मदरसा शिक्षक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मदरसा शिक्षक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। हमारा बकाया वेतन दो वेतन दो वेतन दो। हमारा बकाया वेतन दो वेतन दो वेतन दो। इसे देते हुए जो आज का धरना है इसके बारे में बताइएगा, क्या समस्या है, क्या मांगे आपकी? इजाज अहमद, राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्लामिक मदरसा आदमी का शिक्षक एसोसिएशन। हम लोग यहाँ इको गार्डन में आए हुए हैं। आज से हम लोगों ने धरना शुरू किया अनिश्चितकालीन। 3 साल हो गए हमारे जो मदरसा टीचर हैं वो मदरसों में सरकार की जो कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई गई स्कीम है मदरसा आधुनिकरण योजना, उसमें काम करते हैं। 3 साल हो गए मदरसा टीचरों को मानदेय नहीं मिला है। उनके जो परिवार हैं वो भुखमरी के कगार पर हैं। इससे पहले हम लोग कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। कई जो सरकारी अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, मंत्री हैं, माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी से मिले, माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी से मिले पिछली सरकार में, और माननीय अल्पसंख्यक कार्य कल्याण मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी से मिले, औलख साहब से मिले और अल्पसंख्यक सचिव साहब से मिले। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि आप लोगों की समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन लंबे समय से हम लोगों की समस्या नहीं हल हुई है और करीब करीब 19 टीचर आत्महत्या कर चुके हैं। तो ऐसी दशा में मदरसा टीचर 3-3 साल से उनको मानदेय नहीं मिला है, तो उनके परिवार भुखमरी के कगार पर हैं। तो मजबूर होकर के आज हम लोग यहाँ इको गार्डन में धरना प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं और ये अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक हमको मानदेय नहीं मिलेगा, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब तक हम लोग यही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और माने नरेंद्र मोदी जी जब से दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, मुझे पूरी आशा जगी है कि वो जो हम लोगों की समस्याएं हैं उसको गंभीरता से लेंगे। और माननीय योगी जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि योगी जी, टीचर ही देश का निर्माता होता है, और जो मदरसा टीचर हैं, जो मदरसों में सरकार की स्कीम में काम करते हैं, मदरसों में आधुनिक तालीम, साइंस, मैथ, कंप्यूटर साइंस जैसे विषयों की शिक्षा देते हैं, तो उनके परिवार 3 साल से भूखे हैं। तो माननीय योगी जी से मैं कहना चाहूँगा कि मदरसा टीचर्स के जो परिवार हैं, जो भुखमरी के कगार पर हैं, तो इनकी समस्याओं को एक बार गंभीरता से लेकर के इसको त्वरित तरीके से हल कराया जाए, जिससे मदरसा टीचर्स के परिवार जो भुखमरी में हैं वो भुखमरी से बाहर आ सकें। और चूँकि जो ये स्कीम है मदरसा आधुनिकरण योजना, ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में चलाई गई थी और ये स्कीम